नेक्स्ट कमांड पे चल रहे हैं। अब हम आज अब क्या देख रहे हैं, एक विंडो देख रहे हैं, डायनेमिक विंडो बनाना। डायनेमिक विंडो में हम क्या रखेंगे, जैसे कि विंडो है उसका साइज़ जैसे चेंज होता है ना हमारा, तो वो हम चेंज करने का पैरामीटर इसके अंदर देखेंगे। तो पहले अब एक विंडो बना लेते हैं। विंडो के लिए हमने क्या किया, विंडो वॉल पे लगेगी। अब वॉल डिपेंड करता है हमारी 9 इंचेस की है 4.5 इंचेस की है, उसके हिसाब से हम एक विंडो बनाएंगे। हम 4.5 इंचेस की वॉल की विंडो बना रहे हैं। मैं एक स्टैंडर्ड विंडो का साइज़ दे रहा हूँ 3 फिट। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया। उससे पहले मैं यूनिट सेट कर लेता हूँ। आर्किटेक्चर कर लिया हमने यहाँ पे 1/8 mm हटा के इंचेस कर दिया। ओके किया, देन डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए एंड प्राइमरी यूनिट्स को भी यहाँ से आर्किटेक्चर हटा के इंजीनियरिंग कर दिया हमने। पॉइंट के बाद डबल यूनिट दिया, टेक्स्ट को हमने 3 इंचेस कर दिया, एरो साइज़ भी 3 इंचेस रख दिए और लाइन की लेंथ हमने 1.5 एंड ये भी 1.5 रख दी। सेट करेंट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे विंडो बनाई, 3 फिट स्टैंडर्ड विंडो होती है, 3 फिट या 4 फिट की हमारी स्टैंडर्ड विंडो होती है। तो हमने यहाँ पे जितने की है 3 फिट बाई 4.5 इंचेस की वॉल होगी, तो 4.5 इंचेस की ये बना दिया हमने। मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया। अब दोनों तरफ हमारा फ्रेम आएगा, 1.5 इंचेस से 2 इंचेस का हमारा फ्रेम रहता है, ठीक है। तो हमने 2 इंचेस का फ्रेम रखा, जैसे डोर के लिए था वैसे फ्रेम रखा। अब फ्रेम देने के बाद विंडो जो होगी, विंडो किस टाइप की विंडो हम दे रहे हैं, फिक्स ग्लास विंडो है या स्लाइडर विंडो है। अगर हमें स्लाइडर विंडो बनानी है तो उसके लिए अलग डिज़ाइन रहेगा। फिक्स ग्लास विंडो बनाना हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फिक्स ग्लास विंडो के लिए हमने क्या किया, सेंटर में एक लाइन ली और उसमें 0.25 का मैंने सेंटर से दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। सेंटर वाली लाइन को डिलीट कर दिया। ये क्या हो गया, हमारा एक ग्लास हो गया जो कि फ्रेम के अंदर फिक्स हो गया, ठीक है। इसको हम कहेंगे फिक्स ग्लास विंडो। ब्लॉक कमांड पर चलते हैं, इसको हमने नाम दिया W और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट दे दिया मैंने, ओके कर दिया। अब विंडो तैयार हो गई हमारी। ये विंडो जो है हमारी किस लेंथ की है भाई, 3 फिट की है, स्टैंडर्ड हमने वही लेंथ ली थी। अब मान लो मैं किसी प्लान में रख रहा हूँ, उसमें मेरे 2 फिट की विंडो भी आ सकती है, 4 फिट की विंडो भी हो सकती है, 6 फिट की विंडो भी हो सकती है। सो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने क्या करना है, ब्लॉक एडिटर कमांड के अंदर जाना है, इसके ओपन किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना है। मैंने पॉइंट पे क्लिक करके जिस रेफरेंस से आप उसको मूव करना चाहोगे, आप उसका एक पॉइंट दे दो। यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया, कर दिया। पॉइंट देने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्शन पे जाना है और एक्शन पे जाने के बाद स्ट्रेच कमांड पे जाना है। स्ट्रेच कमांड पे जाएंगे, वो सेलेक्ट पैरामीटर कहेगा, आपने पॉइंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पूछेगा फर्स्ट रेफरेंस ऑफ स्ट्रेच फ्रेम, ये बताना है। तो मैंने बताया भाई, फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट साइड दिया और सेकंड पॉइंट मैंने इधर की तरफ दिया। ओह सॉरी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अंडू किया, हम स्ट्रेच पे गए, पोजीशन सेलेक्ट करी, ठीक है। फ्रेम बताया मैंने, फर्स्ट पॉइंट राइट साइड, सेकंड पॉइंट वो सॉरी लेफ्ट से राइट साइड की तरफ हमने एक फ्रेम बना दिया जिस को हमें स्ट्रेच करना है, हमने सेलेक्ट कर दिया। इतना करने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने अब यहाँ पे ग्रीन विंडो से वापस से वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसको हम स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। तो हमने वापस से फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट साइड दिया और सेकेंड पॉइंट वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हमने पॉइंट दे दिया। इतना करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस कर दिए। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो, हमने पॉइंट से पिक किया, कितनी मुझे बढ़ानी है। मान लो मैं 4 फिट की जाता हूँ, अभी 3 फिट की थी, मैंने 12 लेके एंटर कर दिया, तो ये हमारी कितने की हो गई, तो मुझे 6 फिट की रखनी है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने 2 फिट और बढ़ा दिया। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, जिस साइज़ की हमें विंडो चाहिए होगी, हम उस साइज़ की सेटअप कर पाएंगे। विंडो फिर छोटा भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ और छोटा भी कर सकते हो आप, आपने सेलेक्ट करना है।
ठीक है। हाँ, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी विंडो को साइज को हाथों हाथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सर हम डोर के फ्रेम में भी कर सकते हैं सर। हाँ, बट डोर का फ्रेम बढ़ेगा तो डोर का साइज भी तो उसका बढ़ना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, विंडो को सेटअप। अब आपको इसकी जगह पर इसका फ्रंट व्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक एडिटर ओपन किया। फ्रंट व्यू के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे विजिबिलिटी पे गए, जाके अटैच कर दिया, डबल क्लिक किया, रीनेम किया विंडो टॉप व्यू, है ना। टॉप व्यू ही तो था ये। अब विंडो फ्रंट एलिवेशन, ठीक है, और ओके किया, ओके कर दिया, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस दिया हमने फ्रेम का, नीचे की एक हाइट बनाई। विंडो की हाइट स्टैंडर्ड 4 फीट की होती है, हमने 4 फीट की हाइट दे दी। ऊपर से ट्रिम, नीचे से ट्रिम, 2 इंचेस का फ्रेम हमने अप डाउन से भी दिया। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, मैंने वापस से इसको 0.75 का ऑफसेट कर दिया, इसमें हमारा ग्लास लगेगा, ठीक है। इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर। अब वापस से इसको भी तो हमें साइज़ चेंज करना पड़ सकता है, तो हमने 0.2 दिया रखा। 0.2 रखने के बाद फिर क्या किया, एक्शन पे गए, स्ट्रेच पे गए, हमने सेलेक्ट किया, लेफ्ट टू राइट एक विंडो बना दी कितने एरिया को हम स्ट्रेच करना है, कर दिया। वापस से ग्रीन विंडो से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, एंटर किया, ठीक। अब क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस। मैंने कहा भाई मुझे इसकी जगह फ्रंट व्यू चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, फ्रंट एलिवेशन पे आ गए, सेलेक्ट किया, इसके पॉइंटर को पकड़ खींचा, विंडो का साइज़ क्या हुआ, बढ़ गया हमारा। अगर मुझे हाइट में भी चेंजेस करने हैं, जैसे ये 4 फीट की हाइट है, मैं हाई हाइट विंडो चाहता हूँ, 6 फीट विंडो चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वापस से ब्लॉक पे गए, ठीक, पॉइंट पे गए, अच्छा विजिबिलिटी को हमने फ्रंट एलिवेशन पे गए, विजिबिलिटी पे, पॉइंट पे गए, पॉइंट रखा, एक्शन पे स्ट्रेच पे गए, पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, बाउंड्री बताई बॉक्स, फिर उसके बाद ग्रीन विंडो से सेलेक्ट किया, एंटर किया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस, सेलेक्ट किया। अब यहाँ से देखो पकड़ के ऊपर 2 फिट की बढ़ानी है, 2 फिट एंटर कर दिया, विंडो का साइज़ बढ़ गया, छोटा करना है हमने, यहाँ से सेलेक्ट करो, कम हो गई वो। सो इस तरीके से हम साइजेस में चेंजेस कर सकते हैं विंडो के। बताइए क्लियर है। जैसे विंडो में जो हमारे वो होते हैं सर, पहले जैसे बोलते थे हाँ, वो भी इसी में ऐड कर सकते हैं सर। वो ऐड करना बताऊंगा मैं नेक्स्ट में, ठीक है। इसकी हाइट को कम करना है, 2 फिट कम कर दो, 2x4 की, 2x6 की विंडो हो गई। अच्छा, यहाँ से ये 2x4 की विंडो हो गई, मुझे 2 विंडो चाहिए 2x4 की, मैंने सेलेक्ट किया, 2x2 की 2 विंडो चाहिए, मैंने इसको और कम कर दिया, वेंटिलेशन देना है, 2x2 का एक सेटअप कर दिया, इसको कॉपी करके ऊपर रख दिया,
दरवाजे के साथ लगा होता है विंडो पूरा, मतलब ऐसा जी पूरा पल्ला साल जी ठीक है जी बस। विंडो पूरी प्रॉपर कंप्लीट, ड्रॉ लाइन भी थोड़ा नीचे ठीक है ग्लास हो गया, ऊपर से खुलने वाला हाँ चलिए, तो नीचे फिक्स हो गया, ऊपर खुलने वाला हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, साइजेस को जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। यही हमारा डायनेमिक ब्लॉक होता है। ठीक है,